पढ़ना आँखों के तारे, ओ मेरे सहारे। जीने की तू है वजह, तुझ में मेरी जान, रोशन तू करना जग में मेरा नाम। खुश रहना खुश रहना मेरे दुलारे, आँखों के तारे आँखों के तारे, ओ मेरे सहारे मेरे सहारे। पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, आँखों के तारे आँखों के तारे। तुम पांच लोगों ने फीस नहीं भरी है, कल फीस भरने का लास्ट दिन है। अगर तुम लोगों ने फीस नहीं भरी तो कल से स्कूल मत आना। टीचर, डोंट इंसल्ट मी लाइक दिस। माई फादर इज इफिशियंस एंड बिजी बिजनेसमैन, ही मस्ट हैव फॉरगेटन। टुडे मॉर्निंग आल्सो आई टोल्ड अबाउट द फीस। वो फीस क्यों नहीं भरे वो पूछो उनसे। उस दिन टीचर की बात सुनने के बाद मुझे पता चला कि पापा ने मुझसे बहुत सी बातें छुपाई थी, इसलिए दूसरे दिन मैंने चोरी छुपे उनका पीछा किया। मैंने देखा कि वो अपनी ही कार के लिए भाड़ा दे रहे थे। मैं सोचता था कि वो रोज काम के लिए अपने ऑफिस जाते थे, लेकिन लाखों रुपए कमाने वाले अब दो वक्त की रोटी मुश्किल से कमा रहे हैं। जो एसी रूम में रहते थे वो अब जलती हुई भट्टी के सामने अपना पसीना बहा रहे हैं। एक वक्त था जब पुलिस और वकील पापा को देखकर सैल्यूट करते थे, लेकिन आज वो उनके लिए मामूली काम कर रहे हैं। वो पापा जो मुझे जबरदस्ती खिलाते थे, आज आधे भूखे रहकर अपने दिन गुजारते हैं। हमारे घर पर आकर चिल्लाने वालों को मारकर भगाने वाले पापा आज उन्हीं के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं सच जान कर रहूंगा। क्यों पापा, आप ये काम क्यों कर रहे हो? आपके बिजनेस का क्या हुआ? मेरे पार्टनर ने बिजनेस में मेरे साथ बहुत बड़ा चीटिंग किया। बिजनेस में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे धोखा दिया। ये सब जान के तू नाराज होगा, इसलिए तुझे नहीं बताया। अपने ही घर और अपनी ही गाड़ी का भाड़ा भर रहा हूँ। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हो पापा? 5 साल की उम्र में मम्मी के डेथ पर तू रोया था, पर अब रोएगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा। मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ बेटा, इसलिए तुझे बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा। इसके लिए तुझे पैसे चाहिए। मैंने तेरे लिए एक सपना देखा था कि तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाऊं, यही मेरी इच्छा है। कौन सा सपना पापा? बोलता हूँ बस एक ही सपना देखता हूँ। कौन सा वाला? दुनिया के सबसे बड़े देश में हमारा भी एक आलिशान बंगला हो, पैलेस की तरह। आई? उस महल में जानता है तू कैसे जाएगा? कैसे? कॉस्टली कार से जाएगा। सर्वेंट्स लाइन में खड़े रहेंगे, हाथ में फूल लेके तेरे स्वागत के लिए। क्या सूट होगा, क्या बूट होगी, क्या स्टाइल होगा बेटा। अच्छा? वहाँ बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल होगा, वहाँ बैठ के खाना खाएंगे। बहुत सारे नौकर चाकर होंगे। बहुत सारे? हाँ। फिर आप वहाँ कौन सा काम करोगे? मैं वहाँ पर क्या करूँगा? कुछ नहीं। नहीं पापा, फिर वहाँ मुझे खाना कौन खिलाएगा? आपको मेरा काम करना ही होगा। देखो पापा, आपसे मुझे जो पसंद है आप वही करोगे। क्या करूँ बोलना। कसम से करूँगा, बोलना। पापा, मुझे इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल भी नहीं चाहिए, ट्यूशन भी नहीं चाहिए। एक मैकेनिक कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उसी तरह मुझे भी रहना है। मुझे छोटा सा घर ही काफी है, क्योंकि मुझे आपका साथ चाहिए पापा। आप नाराज मत हो पापा, मैं कैसे भी कठिन परिश्रम करके बड़ा हो जाऊंगा। बस आप मेरे साथ रहना पापा, आपका सपना पूरा होगा। ये हो गया तो बस है मुझे। जब मैं मरूंगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आओ खाना खा लो। पापा, अब मुझे बिरयानी नहीं चाहिए। क्यों बेटा, मैं इसके लायक भी नहीं हूँ क्या? ठीक है, आधा आप आधा मैं खाऊंगा।